आवाज जा रही मेरी सो हेलो एवरीवन हम लोग लाइव आ चुके हैं ना आवाज जा रही हाँ, so, है हाँ जा रही है मिनट सो हेलो एवरीवन हम लोग लाइव आ चुके हैं ना 1 मिनट जरा सा कम हो जा हाँ हां हाँ, गुड आफ्टरनून हाँ, सभी को गुड आफ्टरनून सभी को गुड आफ्टरनून मैं जरा सा इसे ये कर लेता हूँ इधर आ जा। ठीक है ये ये देखिए तो व्हाइट बोर्ड सही पढ़ पा रहे हो ना और जरा सा सभी को ज़... मेंशन कर देना कि आप किस क्वालिटी पे देख रहे हो किस क्वालिटी पे आप लोग देख रहे हो ये जरा सा मेंशन कर दो आ, जी सर ठीक है जैसा क्वालिटी मेंशन कर दो कि आप किस क्वालिटी पे देख रहे हो 120 जो भी है जैसा ब, बताओ फोर एट्टी सर अच्छा ठीक है बाकी लोग बाकी लोग टू फोर्टी या थ्री सिक्सटी ये सारी चीज़ देखो तो ये सारी जो चीज़ें लिखी हुई है वो दिख रही है ना हाँ जल्दी से बताओ जी सर जी सर ठीक है क्लियर है तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करें जरा सा आप अपने कॉलेज ग्रुप में जल्दी से बोल दीजिए कि आपका क्लासेस चल रही है तो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो ये सभी के लिए ओपन है ये ये सारे सारे स्टूडेंट देख देख सकते हैं ये आठ को हम लोग ज्वाइन हो चुके हैं आप लोग धनेसर सार, सार्किल उसके बाद संजीत उसके बाद आपका उज्ज्वल बिट्टू हाँ सभी को सभी को गुड आफ्टरनून सभी को गुड आफ्टरनून आगे बढ़े हम लोग सभी को आवाज क्लियर जा रही है एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए हाँ आज का टॉपिक है आपका आज का टॉपिक है आपका आ, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को ही देखेंगे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को ही देखेंगे ठीक ना ठीक हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे आप लोग इस चीज को एक कीजिए तो सभी एक काम कीजिए सभी को पी को निकाल लीजिए सभी कोई पी को निकाल लीजिए मैं आ, आ, कुछ आ, ए, एक एक मिनट मुझे टाइम दीजिए जरा सा मैं आ, आ रहा हूँ एक मिनट टाइम दीजिए एक मिनट देखने वन मिनट हो गई सभी को आ जाओ जल्दी से आ जाओ मैं इसे लगा लेता हूँ ठीक ठीक है हाँ सभी को गुड आफ्टरनून सौरभ मंडल ठीक है आ ये रुक क्यों रहा है अच्छा ये बताइए तो बफरिंग कर रहा है क्या आप लोग में ये बताइए बफरिंग कर रही है क्या नो सर चलिए तब बहुत खूब है हम लोग स्टार्ट कर सकते अब क्लास को देखिए नहीं सर ठीक है चलिए बहुत खूब बहुत खूब बाकी लोग आ जाइए जी जो जो है एक बार आ, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि सर हाँ मैं हूँ ताकि मुझे दिख जाए और अपने कॉलेज ग्रुप में जल्दी से इसे शेयर कर दीजिए कि क्लासेस चल रही है तो जल्दी से आप लोग आ जाए और हाँ दूसरी बात आज रात से आप लोग का डे टू डे का भी क्लासेस चलेगी ठीक ना मैं इसे लगा लेता हूँ हाँ सभी को एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए मुझे ताकि मुझे पता चल जाए सूरज कुमार हेमरम हाँ गुड आफ्टरनून सभी गुड आफ्टरनून हाँ अविनाश कुमार चलिए अविनाश ठीक है चलिए हाँ चलिए हम लोग तो सोलह को लाइव आ चुके तो देखिए एक काम कीजिएगा हम लोग जो है मशीन डिजाइन पढ़ते क्यों वाई एक जो इंजीनियर को है मशीन डिजाइन पढ़ने का जरूरत क्यों है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे डिस्कस कर चुके थे और जो पीडीएफ गया है जो पीडीएफ गया है निराली का तो किन्हीं किन्हीं के मन में आ रहा होगा अनुराग प्रभात गुड आफ्टरनून सर सभी को गुड आफ्टरनून सभी को किन्हीं के मन में ख्याल आ रहा होगा सर कौन सा बुक को फॉलो करें किस बुक को फॉलो करें तो देखिए जो आप लोग के लिए है निराली मैं बोल सकता हूँ आप उसे फॉलो कर सकते हो ठीक ना निराली पब्लिकेशन को आप फॉलो कर सकते हो अब यहाँ पे मन में ख्याल आएगा मन में ख्याल आएगा कि निराली को क्यों बाकी को क्यों नहीं है तो देखिए मशीन डिजाइन का जो सबसे बेस्ट बुक है जो इंडियन के लिए वो है आपका आर एस कुर्मी आर एस खुरमी ऐसे आर एस खुरमी के आपके सारे बुक मिल जाएंगे लगभग टॉपिक पे लगभग सब्जेक्ट पे आपके आर एस खुरमी ने बुक लिखा है तो बहुत कोई आर एस खुरमी को नहीं फॉलो करते हैं बट ये आर एस खुरमी का जो मशीन डिजाइन है ठीक ना ये लगभग कॉलेजेज में ये फॉलो किया जाता है और इवन की आई भी आपको ये आर एस खुरमी को फॉलो करता है क्योंकि वो कंपाइल बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आर एस खुरमी जी ने की है ठीक ना एक भंडारी का बुक है उसे भी आप फॉलो कर सकते हो बी भंडारी ठीक ना उसे भी आप फॉलो कर सकते हो बट आप लोग के लिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप लेक्चर को देखो और निराली से क्वेश्चंस लगाओ आपको आर एस खुरमी का पी बुक तो मिल ही गया होगा अभी तक और जिनको नहीं मिला है तो कोई व्हाट्सएप ग्रुप में फिर से सेंड कर देना जी पी को ताकि सारे लोगों को मिल जाए ठीक तो हम लोग स्टार्ट देखो अभी तक जो हम लोग देख चुके हैं ना कि मशीन डिजाइन हम लोग पढ़ते क्यों हैं और उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो हम लोग डिप्लोमा एकेडमी ऐप पे देख चुके हैं ठीक ना डिप्लोमा एकेडमी ऐप में हम लोग उसके बारे में जिक्र कर चुके हैं ठीक तो वाई मशीन डिजाइन एक बार फिर से मैं जरा सा जिनका पहला क्लासेस हाँ सब सभी को सभी को गुड आफ्टरनून जिनका पहला क्लासेस जो एकदम छोटा में बताओ तो मशीन डिजाइन पढ़ने की जरूरत क्यों है कोई बता सकते हो कोई भी चैट में लिखो जो ऐप में क्लासेस को अटेंड कर रहे थे बताओ बताओ कोई जल्दी से बताओ तो लिखो तो चैट पे लिखो हाँ बताओ हुआ मशीन डिजाइन बोलो बोलो क्या जरूरत है कि हम लोग मशीन डिजाइन को पढ़ते हैं कोई तो लिखो हुँ? क्या जरूरत क्या कुछ तो जरूरत पड़ा होगा ना हाँ इतना ताम झाम एक इंजीनियर को मशीन डिजाइन पढ़ने का क्या जरूरत है कोई तो बता दो अभी तक गुड आफ्टरनून सभी को कर रहे हो हाँ सभी को गुड आफ्टरनून सभी को गुड आफ्टरनून कोई बताओ बताओ वाई मशीन डिजाइन मशीन डिजाइन जानते हैं जैसे ज्वाइंट की साफ्ट अच्छा मशीन डिजाइन इज द सब्जेक्ट दैट डील विद डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड एनालिसिस ऑफ मशीन एलिमेंट ठीक है सौरभ uh, मंडल का कहना है मशीन डिजाइन गिव्स अस द आइडिया एंड द टेक्निक टू प्रिपेयर ए मशीन अच्छा ठीक है और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ बताइए जो मैं सुनना चाह रहा हूँ और कुछ जल्दी से आप लोग चैट सेक्शन को ज़रूर देखिएगा आप लोग चैट सेक्शन से भी बहुत कुछ सीख सकते हो बताइए बताइए फॉर फेलियर डिटेक्शन अच्छा फेलियर डिटेक्शन और कुछ और कुछ और कुछ ठीक है मैं ये आप लोगों पे छोड़ देता हूँ कि हम लोग मशीन डिजाइन को पढ़ते क्या ये मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ कि हम लोग को मशीन डिज़ाइन पढ़ने का क्या जरूरत है ठीक ना ये टोटली totally मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ और दूसरी बात हम लोग मशीन डिज़ाइन पे क्या क्या कंसिड्रेशन करते हैं उसके बारे में भी जिक्र कर चुके हैं तो ये जरा सा आप आ, जो पी गया उस पर आप देख सकते हो वो छोटा है बट ठीक है निराली पे है, छोटा है बट आ, कुछ हद तक वो सही है तो आप उसे देख लेना एक बार देख लेना आज हम लोग एक नया टॉपिक को स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग को भी लाइव क्लासेस में कुछ मज़ा आए और आप लोग भी कुछ सीख लो हम लोग देखिए जो है ना ये डकटाइल डकटाइल मटेरियल का डक्टाइल मटेरियल का डकटाइल मटेरियल का हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देख चुके थे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देख चुके थे मैं इसे जरा सा डिस्कस कर लेता हूं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि अभी जो हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी और कुछ टर्म से जो जो आप लोग को समझने में हेल्प करेगा सौरभ मन्ना विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन एंड क्रिएट डिज़ाइन एकदम एकदम सही बोल रहे हो आप लोग मशीन डिजाइन क्यों पढ़ते हो सो बता दीजिए सर बताऊंगा बताऊंगा एक बार मैं आप लोग पे छोड़ देता हूँ ये सारी चीज़ मैं ऐप में बता चुका हूँ ये सारी चीज़ मैं ऐप में बता चुका हूँ उसके बावजूद भी मैं बताऊंगा जरूर क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी वाई वी डील विथ मशीन डिजाइन अपने को मशीन डिजाइन पढ़ने का क्यों ज़रूरत है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उस पर क्या क्या कंसिड्रेशन करते हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और दूसरी बात हम लोग स्ट्रेस स्टेंट डायग्राम भी देख चुके हैं कुछ कारण से आप लोग का क्लासेस ऑफ थी आ, पर अब कंटिन्यू रहेगा और आप लोग का अभी डी टू डी का भी क्लासेस रात को होगी तो सारी चीज़ मैं बताऊंगा तो इस पर हम लोग आते हैं स्ट्रेस स्टेंट डायग्राम पे स्ट्रेस स्टेंट डायग्राम अपने को पढ़ने का आ, जो कुछ टॉपिक्स है वो जल्दी जल्दी आप लोग बताते जाइएगा मैं सीधा डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ देखिए है ना कि स्ट्रेस स्टेंट डायग्राम में तो ये चीज़ पढ़े ही होगी ये इधर आपका क्या होता है हाँ स्ट्रेस स्ट्रेन ये आपका क्या है ना स्ट्रेस है और ये क्या है ना आपका स्ट्रेन है ठीक तो देखो होता क्या है इस पर इस पर होता क्या है ठीक इसे हम लोग दिखाते हैं सिग्मा से और ये इसे हम क्या दिखाते हैं एफ से दिखाते हैं ठीक अब है ना कि अपना यहां से एक स्ट्रेट लाइन जाएगा ठीक उसके बाद यहाँ से यहाँ आया उसके बाद फिर ये ज़रा सा अपना कर्व को जरा सा चेंज कर देता है ठीक उसके बाद फिर यहाँ से ये फिर यहाँ से ये इसे साथ, -साथ बनाते जाइएगा ठीक ना यहाँ से ज़रा सा इसे चेंज कीजिएगा जरा सा ज़रा सा ज़्यादा नहीं जरा सा ठीक उसके बाद ये फिर कुछ ऐसे बनेगा ये कर्व और कुछ ऐसे जाता है ये ठीक तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ इस पॉइंट्स के बारे में आप लोग जल्दी से बताते जाइएगा जैसे ये पॉइंट है ए ये पॉइंट है आपका बी ये पॉइंट है आपका सी ये पॉइंट है आपका डी और ये पॉइंट है ई e, ठीक और ये फाइनली एक पॉइंट मिल जाता है अपने को एफ जल्दी से बताइए तो ए पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं लिखिए ए पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं जो ए पॉइंट दिखाता है मनीष ने बोल रहा है मशीन डिजाइन इज गिव्स द प्रिंसिपल टू यूज मशीन एंड स्पेसिफिकेशन नहीं जी ने मनीष ये अच्छा नहीं आ, ए आपका बताता है प्रोपोर्शनल लिमिट चलिए अविनाश ने बता दिया प्रोपोर्शनल लिमिट है ठीक है प्रोपोर्शनल लिमिट ठीक बी बताइए जी बी जल्दी से चैट सेक्शन में लिखिए बी क्या बताता है फ्रैक्चर पॉइंट एफ हाँ बहुत खूब बहुत खूब सौरभ मंडल ये आपका क्या है फ्रैक्चर पॉइंट है ठीक फ्रैक्चर पॉइंट ये बताइए जल्दी से जल्दी से बताते जाइए जल्दी से बताते जाइए चीजें बताओ बताओ जी क्या कर रहे हो आ जो कुछ तो लिखो कुछ तो होगा आइडिया परफेक्ट इलास्टिसिटी परवीन कुमार पालू अच्छा परवीन ना बी इलास्टिक लिमिट बहुत खूब बहुत खूब ये क्या है ना इलास्टिक लिमिट को बताता है इलास्टिक लिमिट को बताता है सी बताइए सी बताइए सी क्या होता है जल्दी से लिखो क्या कर रहे हो अल्टीमेट स्ट्रेस अल्टीमेट स्ट्रेस कहाँ का जे कौन सा पॉइंट उज्जवल कहाँ लिखो जल्दी से लिखो हाँ ए बी सी डी लिख के बताओ आ, अपर लिमिट अपर लिमिट कौन सा सी या फिर डे अभिनाश ई e बताता है आपका हाँ ये अल्टीमेट स्ट्रेस बहुत खूब उज्जवल अल्टीमेट स्ट्रेस बहुत खूब सी uh, और डी क्या बताता है सी और डी जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ बताओ जी क्या कर रहे हो सी अपर लिमिट बताता है हाँ बहुत खूब हाँ बहुत खूब और डी क्या बताता है अपर लिमिट ये बताता है और ये क्या बताता है ना लोअर लिमिट बताता है ना कौन सा अपर लिमिट और कुछ मैं सुनना चाहता हूँ हाँ देखिए उज्जवल ने एकदम परफेक्ट बताया लोअर इल्ड पॉइंट अपर इल्ड पॉइंट हाँ बहुत को बहुत को बहुत को बहुत को ये क्या है लोअर इल्ड पॉइंट अपर इल्ड पॉइंट अपर इल्ड पॉइंट और ये क्या है ना लोअर इल्ड पॉइंट ठीक ये हम लोग सारी चीज डिस्कस कर चुके थे दीपक अजय आज, दीपक आप ये सिक्स सेमेस्टर का चल लीजिए दीपक दीपक ये सिक्स सेमेस्टर क्लासेस चले यदि आप चाहते हो तो अटेंड करो गुड आफ्टरनून यहाँ तक हम लोग देख चुके थे और कुछ चीज़ें हम लोग ये भी डिस्कस किए थे देखो ये जिनका पहला क्लासेस वो जल्दी से इसे कॉपी कर लो जल्दी से इसे कॉपी करो जल्दी से करो जल्दी से इसे कॉपी करो, करो. ठीक ये ये सारी चीज़ें जल्दी से कॉपी कर लो उसके बाद यहाँ 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 तक जब हो गया है अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें आती है यहाँ पे कुछ चीज़ें आती हैं आप यदि हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाए देखिए हम यदि दे इस एरिया को रंगते हैं ये वाला एरिया ये वाला एरिया क्या बताता है बताइए तो जल्दी से ये वाला एरिया क्या बताता है हाँ जी ये वाला एरिया क्या बताता है जल्दी से बताइए वो एरिया अपने को क्या बताता है हट क्यों जा रहा है बताइए अनिल श्रीवास्तव प्रोपोस्टल लिमिट नहीं 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 एरिया 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 हाँ हाँ एकदम 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 एक बहुत को परवीन बहुत को रेजिलियंस बताता है ये क्या ना रेजिलियंस को बताता है ठीक ना ये आपको क्या ना रेजिलियंस को बताता है और ये बताइए नहीं जी नहीं जी नहीं जी नहीं नहीं, नहीं। परफेक्ट इलास्टिक रीजन नहीं ये ये जो एरिया एरिया में पूछ रहा हूँ सौरभ मंडल एरिया में पूछ रहा हूँ ये क्या है ना रेजिलियंस बताता है और ये वाला जो ये हम लोग बता ब, डिस्कस कर चुके थे ये टोटल एरिया एफ तक का जो एरिया रहेगा ये टोटल एफ तक का जो एरिया रहेगा ये क्या बताता है ये एफ तक का एरिया क्या बताता है लिखिए कोई जल्दी से लिखिए टोटल एरिया यदि कवर कर ले तो हाँ जल्दी से लिखो क्या कर रहे हो हिमालय चले गए क्या लिखो लिखो आ, नहीं जी फेलियर एरिया में पूछ रहा।, रहा हूं टोटल एरिया पूछ रहा जी संजीत टोटल एरिया में पूछ रहा हूं लिखो जी एफ वाले कहाँ गए हाँ टफनेस हाँ टफनेस ये बताता है एक आइडिया आंसर मिले टफनेस ये टफनेस बताता है ठीक ये देखो ये, ये दोनों ना एनर्जी ही है ये दोनों क्या है ना एनर्जी ही है देखो कोई पूछ दे आपसे यदि कोई पूछे कि रेजिलियंस है क्या आपसे यदि कोई पूछे व्हाट इज रेजिलियंस तब क्या बोलोगे आप यदि आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज रेजिलियंस कुछ आइडिया तो देखो रेजिलियंस बताता है ना कि मान लेते तो कोई भी स्पेसिमेन है कोई भी स्पेसिमेन है हम उसे यदि खींचेंगे हम उसे क्या करेंगे खींचेंगे तो क्या करेगा वो अपने पे एनर्जी स्टोर करेगा तो इलास्टिक लिमिट तक विद इन इलास्टिक लिमिट फिर से मैं दोहरा रहा हूँ विद इन इलास्टिक लिमिट जो मेटेरियल मेटेरियल अपने पे जितना एनर्जी स्टोर कर सकता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिलियंस ठीक और टफनेस जो है कोई भी मेटेरियल टूटने से पहले तक कोई भी मटेरियल टूटने से पहले तक जितना अपने पे एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है उस उस एनर्जी को ही हम बोलते हैं टफनेस समझ लो ये यानी विद इन इलास्टिक लिमिट तक जितना एनर्जी स्टोर कर सकता है उसे रेजिलियंस बोलेंगे और टफनेस फ्रेक्चर पॉइंट से पहले तक जितना एनर्जी स्टोर कर सकता है उसे हम लोग टफनेस बोलेंगे ठीक तो इस चीज़ को लिखो ठीक और एक बार चैट सेक्शन में लिख दो मुझे ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आप लोग चीज़ों को समझ गए जल्दी से लिख दो जल्दी से लिखो और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना अपने कॉलेज ग्रुप में यदि जो जीपी खुटरी से तो हो तो कर ही दिए हो यदि और कोई दूसरा कॉलेज हो होना तो इसे अपने कॉलेज ग्रुप में जल्दी शेयर कर दो ताकि वो बाकी लोग भी वी गॉट इट सर ठीक है वी गॉट इट ठीक है अब देखिए ये क्या था ये जो है आपका डक्टाइल मटेरियल के लिए ये जो चीज़ है आपका क्या है ना डक्टाइल मटेरियल के ठीक ये आपका क्या है नॉन डक्टाइल मटेरियल के लिए बट यही यदि हम ब्रिटल मटेरियल के बारे में जब जिक्र करेंगे ब्रिटल मटेरियल के बारे में जब जिक्र करेंगे तो वहां पे ये वाला ग्राफ नहीं आएगा वहां पे इलास्टिक लिमिट के बाद सीधा आ जाता है फ्रैक्चर इलास्टिक लिमिट के बाद सीधा क्या जाता है ना फ्रैक्चर आ जाता है तो एक नेक्स्ट बना लीजिएगा ब्रिटल मटेरियल के लिए एक ब्रिटल मटेरियल के लिए बनाइए और उसका जो ग्राफ बनता है कुछ वो क्या होगा ना यहां से इलास्टिक लिमिट तक जाएगा और सीधा टूट जाएगा ठीक यानी ये इलास्टिक लिमिट को दिखाएगा उसके बाद सीधा अल्टीमेट स्टेज को दिखा देता है इलास्टिक लिमिट को ये दिखाएगा उसके बाद ये सीधा क्या करेगा ना अल्टीमेट स्ट्रेस को दिखा देता है अल्टीमेट स्ट्रेस को ये दिखा देता है ठीक इसे जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए ये स्ट्रेस हो गया इधर स्ट्रेन हो गया इलास्टिक लिमिट के बाद वो क्या होता है ना अल्टीमेट स्ट्रेस को यानी वो सीधा फ्रैक्चर कर जाता है ब्रिटल मटेरियल। यदि मैं पूछूं कि ब्रिटल का मतलब क्या होता है तो कोई एग्जांपल दे सकते हो ब्रिटल का मतलब क्या होता है बताइए ब्रिटल मटेरियल का कोई एग्जाम्पल बताइए कोई बताओ ब्रिटल मटेरियल का कोई आम भाषा में बता दो कास्ट आयरन चलिए हाँ कास्ट आयरन तो है आयरन है और कुछ आ? कास्ट आयरन तो है कुछ आ, आम भाषा में बताओ जो सभी को रिलेट कर सके ब्रिटल तो देखो सभी को मैगी खाए हो ना जी मैगी ठीक ना मैगी खाए हो ना सभी को तो देखिए वो जो मैगी है हाँ एकदम 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 सही बोल रहे स्टोन सर हाँ संजीत एकदम सही बोल रहे जो अचानक टूट जाए हाँ एकदम सही तो देखो मैगी जो है ना जब मैगी आपका पैकेट में रहेगा मतलब जस्ट आप खरीद के लाए हो, जब जस्ट आप खरीद के लाए हो तो वो जिस फॉर्म में रहेगा उसका वो जो मेटेरियल है उस मटेरियल को ही हम लोग बोलते हैं ब्रिटल मेटेरियल मतलब कि वो बिना डिफॉर्मेशन दिखाए क्या हो जाएगा टूट जाए जैसे वुड वुड भी क्या है ना आपका ब्रिटल मटेरियल है जैसे ग्लास ग्लास भी क्या है ना ब्रिटल मटेरियल है ये सारी चीज क्या है ना ब्रिटल मटेरियल, यानी बिना डिफॉर्मेशन दिखाए बिना डिफॉर्मेशन दिखाए वो क्या हो जाएगा ना टूट जाएगा जैसे आपका कोल कोल भी क्या है ना ब्रिटल मटेरियल है यहां तक चीजें समझ रहे हो राजके दुबे ठीक है यहां तक यदि चीजें समझ लो तो देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग इलास्टिसिटी uh, का इनवर्स इलास्टिसिटी का इनवर्स uh, बोल सकते हो एक प्रकार से बोल सकते हो इन्वर्स नहीं बोलोगे इलास्टिसिटी का इन्वर्स आपका प्लास्टिसिटी होता है और बोल सकते हो कि ये आपका कोई इलास्टिक डिफॉर्मेशन ज्यादा नहीं दिखाता है अब फिर किन्हीं के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर ये वाला कहे दिखाएं किन्हीं के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर ये वाला क्यों दिखाए तो देखो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ब्रिटल मटेरियल के लिए जरा सा क्वेश्चन जब कर ही लियो तो जरा सा और जान ही लो डिप तक मैं सोच रहा था इसे ना बताओ ब्रिटल मटेरियल ठीक ना जरा जान लो जब इतना आ ही गए हो तो जरा सुनो सुन लो किन्हीं के मन में ख्याल आ रहा है सर जब आप ब्रिटल बताएं और इस पर कोई भी आपका डिफॉर्मेशन नहीं होगा कोई भी आपका डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो ये तो डिफॉर्मेशन दिखा रहा है ना ये बोला ये देखो स्ट्रेन आ गया ना ये क्यों आया ये क्यों आया तो देखो हम लोग ब्रिटल मेटेरियल पढ़ रहे हैं बट परफेक्ट ब्रिटल नहीं पढ़ रहे यदि हम कोई आपसे पूछे कि परफेक्ट ब्रिटल मेटेरियल कैसा होगा कोई आपसे यदि पूछे परफेक्ट ब्रिटल मेटेरियल कैसा होगा और उसका ग्राफ कैसा बनेगा तो देखो उसका जो ग्राफ बनेगा ना वो एकदम वर्टिकल बनेगा ऐसे ये देखो ये एकदम वर्टिकल जाएगा यहां तक उसके बाद सीधा टूट जाएगा ऊपर ऊपर निकल रही है तो देखो फिर से सुनो परफेक्ट ब्रिटल मटेरियल वो मटेरियल बिना कोई भी डिफॉर्मेशन दिखाए हुए टूट जाए और एक बार रिपीट करते हैं परफेक्ट ब्रिटल मटेरियल वैसा मटेरियल जो बिना कोई डिफॉर्मेशन दिखाए हुए टूट जाए देखो देखो ये स्ट्रेस दिखा रहा है यहां तक कोई स्ट्रेन नहीं दिखाया उसके बाद ये क्या होना सीधा टूट गया उसके ये ये जो स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है देखो स्ट्रेन बढ़ते जा रहा है बट स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब ये क्या हो गया ना ब्रेक कर गया तो ये है आपका परफेक्ट ब्रिटल आई होप के सौरभ मंडल आ, जीरो स्ट्रेन होगा सर हाँ हाँ एकदम एकदम सही बोल रहे हो सौरभ मंडल स्ट्रेन जो है जीरो होगा तो ये परफेक्ट ब्रिटल मेटेरियल और आई होप कि मैं आपका क्वेश्चन का आंसर कर पाया होगा ठीक आगे बढ़े आगे बढ़े बताओ आगे बढ़ो मैं चलो आज का डेटा तो ख़त्म हो गया पर अभी भी हम लोग के पास चार जी डेटा है कोई दिक्कत नहीं जी सर ठीक है चलिए यहाँ तक यदि समझ गए हो तो आई होप के ब्रिटल और डक्टाइल मटेरियल में क्या डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा अब देखिए निराली को हम अभी देख रहे हैं और निराली को अभी लेके चलो कितने के मन में आया कि सर निराली को क्यों लेके चले तो ये जो है ना आपके टोटली सिलेबस ओरिएंटेड है ये जो है आपका पूरा का पूरा सिलेबस ओरिएंटेड है तो इसे ले चलोगे ना तो हम लोग को जाना कहाँ है वो पता चल जाएगा ऐसे में निराली को आपके सीनियर वाले बैच को मैं निराली से तो नहीं पढ़ाया था उन लोग को मैं क्या बोलते आर एस खुरमी से ही फॉलो किया था बट ऑनलाइन होने के कारण मैं निराली को अभी जरा सा फॉलो कर रहा हूँ टॉपिक जो रहेगा जो टॉपिक को हम लोग देखेंगे वो निराली को ही देखेंगे बस टॉपिक को लेके चलेंगे कि कब कैसे करना है उसके बाद मैं अपना तो चीजें डालूंगा ही समझ लो तो देखिए क्योंकि ये जो निराली है ना एक प्रकार से ये आपका नोट्स का भी काम कर जाएगा ठीक है ना आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा जो सारी चीजें जा रही है उसे बस फॉलो करते जाना और उसे बस पढ़ते जाना एकदम आसानी से और कुछ करने का आपको जरूरत भी नहीं है और मशीन डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा ठीक आगे बढ़ते हैं हम लोग देखिए यहां पे है आपका टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस यदि आप पेज नंबर जाओगे 1.6 पे टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस तो ये बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और मेरे ख्याल से ये जब सोम पढ़ रहे होंगे जब आप लोग सोम पढ़ रहे होगा तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है ये बहुत बार पढ़े होगे ठीक ना बहुत बार पढ़े होगे आपका क्या होता है ना री फोर्स री स्टोरिंग फोर्स बाय एरिया यही होता है ना अब यहां पे एक नया चीज यूज किए हैं री फोर्स तो देखिए स्ट्रेस इक्वल टू आप लोग जानते हो फोर्स बाय एरिया बट मैं लिखा हूं यहाँ पे री फोर्स पर यूनिट एरिया कोई बता सकते हो री फोर्स क्या होता है एनी वन री फोर्स क्या होता है कोई भी बताओ आजी री स्टोरिंग फोर्स क्या होता है कोई तो बताओ व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स हाँ क्या होता है रिस्टोरिंग फोर्स बताओ हाजी व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स बताओ बताओ लिखो बॉडी के अंदर से लगता है चलो ये वापस ओरिजिनल शेप में आने के लिए जो खुद पे लगता है जाने के बातें जो बॉडी फोर्स लगाते हैं अच्छा खींचने के बाद ठीक है ठीक है और 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 अगेंस्ट एनी फोर्स अच्छा अच्छा द फोर्स विच ट्राई टू रिगेन द ओरिजिनल सेप हाँ एकदम एकदम बहुत क्यू बहुत क्यू यानी कि हम कोई भी बॉडी है हम इसे खींचें तो ये डिफॉर्म करेगा तो इसे डिफॉर्म करने के लिए तो हम फोर्स लगाएं बट ये फिर से जो अपना अगेन अपना सेप मान लेते ये यहाँ से यहाँ डिफॉर्म कर गया ठीक अब जो है जैसे हम फोर्स को हटा देंगे तो फिर से ये अपना ओरिजिनल शेप इसको इधर लाने में जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स हम क्या बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स समझ लो यानी रिस्टोरिंग फोर्स कौन लगाएगा ना बॉडी लगाएगा इट्स लगाएगा अंदर से ठीक तो अब फिर बोलोगे सर रिस्टोरिंग फोर्स भी लिखे हो और फोर्स भी लिखे हो इसका मतलब क्या है क्या लोचा है कोई बता सकते हो रिस्टोरिंग फोर्स और फोर्स वहां पे दोनों दोनों देखा जाए तो सही है बट टेक्निकली ये वाला चीज सही है बट उसके बावजूद भी हम लोग फोर्स बाय एरिया लिखते हैं क्यों लिखते हैं कोई बताओ तो क्यों लिखते हैं फोर्स बाय एरिया मैं जरा सा पानी पी लेता हूं तब तक आप लोग लिख दो जल्दी से लिखो आ, सर ये भी बोल सकते हैं कि फोर्स विच प्रिवेंट द बॉडी टू डिफॉर्म आ, बोल सकते हो जी सौरभ मंडल अविनाश का कहना है दोनों इक्वल होता है और कोई और कोई देखो दोनों तो इक्वल होता है एकदम सही बोल रहे हो बट कहाँ तक होता है हाँ नहीं हमेशा इक्वल नहीं होता है सर हाँ एकदम सही बोल रहे हो पता था कोई ना कोई तो कॉन्टेटेक्ट करेगा इसको कहाँ तक होता है बताओ हा? कहां कहाँ तक होता है इक्वल तो होता है एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल लगता है नहीं देखो एकदम सही हो जो रिस्टोरिंग फोर्स और फोर्स जो है ना वो इक्वल होता है विद इन इलास्टिक लिमिट तक ठीक है इलास्टिक लिमिट तक आपका क्या होता है ना रिस्टोरिंग फोर्स और फोर्स इक्वल होता है इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना फोर्स बाय एरिया जनरली लिखते हैं तो इसे अपने भाषा में लिख लो इस चीज को अपने भाषा में लिखो जल्दी से डायरेक्शन अलग होता है अभी डायरेक्शन पे मत जाओ अविनाश अभी डायरेक्शन पे मत जा। पे जाओ यदि फिर डायरेक्शन में जाओगे ना फिर आपको टेंसर घुसना पड़ जाएगा यदि फिर भी आप लोग बोलोगे कि अभी क्लियर नहीं तो जरा सा बताओ तो स्ट्रेस कौन सा क्वांटिटी है स्ट्रेस कौन सा क्वांटिटी है वेक्टर है फिर स्केलर है कमेंट सेक्शन में लिखो जब बॉडी डिफॉर्म करना स्टार्ट कर जाता है तब रिस्टोरिंग फोर्स कोई बताओ स्ट्रेस कौन सा क्वांटिटी है वेक्टर है या फिर स्केलर है बताओ दोनों है सर चलो एक ने बताया उज्ज्वल दीप कहा बना स्केलर नहीं बताओ बताओ बता। दोनों है टेंसर है हाँ ये क्या है ना टेंसर है स्ट्रेस जो है टेंसर क्वांटिटी अभी अब मत पूछना कि ये क्या है बस जानो कि टेंसर क्वांटिटी है ठीक ना क्या है मत पूछना ये आप लोग का समझ से अभी आप लोग से नहीं जी बैक्चर एक्चुअली टेंसर है हाँ टेंसर है ठीक तो इसीलिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है उसके अंदर बहुत सारा चीज़ें हैं जो आपको जानना पड़ेगा ठीक ना ठीक है चलिए जो आप कोई यदि हो तो अपने कॉलेज ग्रुप में जल्दी से इस लिंक को जर, जरूर शेयर करना ठीक ना ठीक है तो टेंसाइल स्ट्रेस तो समझ ही जा रहे हो गे कंप्रेसिव स्ट्रेस मेरे ख्याल से सभी को जान, जान ही रहोगे कंप्रेसिव स्ट्रेस ये बताने का जरूरत है क्या बताओ तो टेंसाइल स्ट्रेस पे आपका टेंसाइल फोर्स लगेगा कंप्रेसिव स्ट्रेस पे कंप्रेसिव फोर्स लगेगा तो इस पर मेरे ख्याल से कुछ बताने का जरूरत है नहीं सॉम में तो इतना तो पढ़े हो मैं ये मान के चलता हूँ एक होता है आपका बेंडिंग स्ट्रेस एक क्या होता है आपका बेंडिंग स्ट्रेस ये जरा सा जो जिनका पहला क्लास है मेरे ख्याल से ये मुझे बताना पड़ेगा कोई बता सकते हो बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है एनी वन वट इज बेंडिंग स्ट्रेस हाँ कोई बताओ कोई तो बताओ 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 जल्दी से लिखो हम लोग अट्ठारह कोई है आ, अपने कॉलेज ग्रुप में जल्दी से ज़रूर शेयर करना कोई बताओ क्या है वाट इज बेंडिंग स्ट्रेस चलो मैं बगल हो जाता बताओ जी बहुत ही खूबसूरत चीज़ है ये खोटरी वाले व्हेन बॉडी सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट हाँ चलिए हाँ जी सौरभ आप कहाँ से हो खोटरी से हो या फिर कहीं और से हाँ एक तो सही है बेंडिंग मोमेंट और कुछ और कुछ और कुछ कोई तो बताओ खोटरी वाले कहाँ चले गए ये हाँ ठीक है ये क्या है ना बेंडिंग स्टेज से ठीक है बेंडिंग मोमेंट जब लगे मोमेंट बेंडिंग मोमेंट जब लगे और बाकी लोग बेंडिंग स्टेज क्या होता है सब भूल गए जी अभी इक्वेशन लिखेंगे तो फिर याद कैसे आएगा शिवराज भर्टिकली लोडिंग लेता है तो बीम बेंड कर जाता है चलो शिव कुछ तो पढ़े हो चलो बाकी लोग बाकी लोग बाकी लोग कहाँ गए सब हिमालय चले गए क्या लिखो चैट में लिखो चैट सेक्शन में लिखोगे देखो बात है ना कि चैट्स में इसलिए लिखवा रहा हूँ ना कि वो दिमाग में छप जाएगा और चैट को पढ़ा करो समझ हो और मैं बोलूँगा कि जो स्टूडेंट ऑफलाइन में ये वीडियो देख लो या फिर बाद में देखते हो तो लाइव क्लासेस आया करो लाइव क्लासेस में होता क्या जोश बना रहेगा समझ लो एक साक्षात जो है होता है ना साक्षात वो साक्षात का मतलब कि एक अलग ही जोश रहेगा क्योंकि एकदम अभी आपको लगेगा ना यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते हो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा और कुछ चीज़ें जब रुक रुक के आती है ना तो और मज़ा मजा आता है सस्पेंस यहाँ पे बना रहेगा समझ पा रहे हो तो जो भी बंदे या फिर जो भी स्टूडेंट इसे लाइव मतलब कि ये भी देख रहे हो लाइव क्लासेस नहीं देख पा रहे हो रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो वो करना ना कि लाइव क्लासेस आना आपका दो बजे से ही क्लासेस रहेंगे ठीक बताओ बताओ बेंडिंग स्ट्रेस सब भूल गए जी हाँ इतना जल्दी तो नहीं भूलना चाहिए सर बाकी लोग कहाँ गए हाँ देखिए बेंडिंग स्ट्रेस में मैं सीधा इक्वेशन को ही लिख देता हूँ ताकि चीजें हो जाए एम बाई आई इक्वल टू सिगमा बाई वाई इक्वल टू ई बाई आर कुछ याद आ रहा है ये पंकज कुमार सिक्स सेम का कब से सर ये सिक्स सेम का ही चल रहा है पंकज ये सिक्स सेमेस्टर का ही चल रहा है देखो एम बाई आई इक्वल टू सिगमा बाई वाई इक्वल टू ई बाई आर यही है आपका सिंपल बेंडिंग का इक्वेशन ये चीज समझ लो ये कभी देखे थे सोम में क्वेश्चन लगाए थे जी हाँ ना कुछ तो बोलो हाँ, एम बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इक्वल टू ई बाई आर ठीक ये देख चुके थे अब देखो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ देगा जैसे यहां से हम निकालोगे बेंडिंग स्ट्रेस तो देखो सिग्मा इसे अभी भूल जाओ इसे क्या होना भूल जाओ तो सिग्मा इक्वल टू हम लिख सकते हैं एम बाई आई इंटू वाई यानी एम वाई बाई आई इसे लिखो ठीक अब देखो यहां पे बात आएगा कि आई क्या है कोई बता सकते हो व्हाट इज आई एनी वन जल्दी से लिखो चैट सेक्शन में जल्दी से लिखो व्हाट इज आई आई क्या है दो बजे से हाँ पक्का बिट्टू कुमार बताओ बताओ आई क्या है लिखो जी मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट अबाउट किस एक्सिस के अबाउट अबाउट किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया तो किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया तो है बट किस एक्सिस के अबाउट अबाउट वाई एक्सिस नहीं जी वाई एक्सिस कहाँ से होगा यहाँ पे हम लोग बेंडिंग बैंडिंग पड़े और वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ये क्या ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या है यहाँ पे हाँ हाँ हा, एक ने एक ने बहुत ही खूब लिखा न्यूट्रल एक्सिस हाँ न्यूट्रल हाँ बहुत खूब ये जो है न्यूट्रल एक्सिस का है ये जो है न्यूट्रल एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस अब कि के मन में ख्याल आ रहा होगा एक्स एक्सिस कैसे हो जाएगी अविनाश आ हम लोग वहाँ पर एक्स एक्सिस बोलेंगे नहीं ना क्या बोलेंगे न्यूट्रल एक्सिस बोलेंगे देखो जब जैसे बैंडिंग हो जाता है ना चीज़ों को टेक्निकली लेके चलो तो देखो न्यूट्रल एक्सिस होता क्या है मान लेते ये एक बीम है जिसका क्रॉस सेक्शन है ठीक ना बीम है इसका क्या है ना क्रॉस सेक्शन है बोलने का मतलब जैसे मान लो ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है ये है तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा ये होगा हम इधर से यदि लोड लगा रहे हैं तो इसका न्यूट्रल एक्सिस क्या हो जाएगा ना ये वाला हो जाएगा देखो न्यूट्रल एक्सिस क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा ठीक और न्यूट्रल एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस और सेंट्रोइडल एक्सिस एक दूसरे के साथ क्या करते हैं ना कोइनसाइड करते हैं इसे याद रखना न्यूट्रल एक्सिस और सेंट्रोइडल एक्सिस एक दूसरे पे कॉन्साइड करते हैं इसे नोटबुक में लिखो ये हम लोग सॉम में डिस्कस कर चुके थे तो इस चीज़ को लिख लो तो आई होप कि ये बेंडिंग पे आप लोग सारे क्वेश्चन लगा लोगे कुछ चीज़ें मैं है जिसे मैं नोट डाउन करवा देता हूँ ताकि निराली को जब देखोगे तो आपको ये बोर ना करे तो देखो ये मान लो एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है ठीक हम ये इसे मान लो एक्स एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई वाई एक्सिस है और इसे आ, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखोगे एकदम लिखना कंपलसरी है ये क्या है ना बी है और ये क्या है न डी है ठीक तो बताओ आई एक्स एक्स क्या होगा और वाई आई वाई, वाई वाई क्या होगा जल्दी से लिखो ठीक उसके बाद मान लो कि एक है सर्कुलर सेक्शन एक क्या है ना आपका सर्कुलर सेक्शन है तो इसका लिखना है आपको आई एक्स एक्स आई वाई वाई और आई जेड जेड जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ ये क्या होगा एक्स एक्स बी डी क्यू बाई ट्वेल्व हाँ डी बी क्यू बाई ट्वेल्व हाँ बहुत खूब सर्कुलर का बताओ जी मैं पानी पी लेता हूँ सर्कुलर का बताओ बताओ जल्दी से बताओ बी डी क्यू बाई ट्वेल्व हाँ लिखो लिखो चैट सेक्शन में लिखो जी नहीं तो देख के भी तो लिखो लिखोगे तो चीजें छपेगा ये क्या लिख दिया आर के टमागे क्या हुआ बहुत कम लोग का आंसर आ रहा है लिखो, आपने लिखो तो कौन लिखेगा देखो ये एकदम लिख लिखना कंपलसरी है जी ये नहीं लिखोगे तो फिर मशीन डिजाइन पढ़ने का कुछ बेनिफिट है नहीं समझे ना ये ए बी सी डी है आगे लिख देंगे फॉर्मूला पे तो सीधा बोलोगे सर ये आया कहाँ से जब सभी को लिखो कंपलसरी है ये लिखो एकदम ये ये नहीं लिख पाओगे तो फिर मशीन डिजाइन पढ़ना ही बेकार है देख के तो लिखो पता नहीं सर तो देखो ना पता नहीं क्या पता नहीं तो एकदम देखो चैट सेक्शन को देखो मैं लिखवा क्यों रहा हूं बताओ पता नहीं मानता हूं पता नहीं है बट देख के तो सीखो समझे क्योंकि ये बेसिक है एकदम बेसिक है देखो आई एक्स एक्स इसका होता है बी इसके पैरेलल जो है बी उसके बाद डी का क्यू डिवाइडेड बाय 12 आई वाई, वाई वाई तो वाई के पैरेलल कौन है ना डी है तो डी इसके परपेंडिकुलर क्या है ना बी बी का क्यू डिवाइडेड बाय 12 ठीक अब देखिए सर्कुलर सेक्शन का यदि इसका रेडियस इसका मान लो डायमीटर डी है तो आई एक्सेस होता है पाई बाय सिक्सटी फोर डी दी पावर फोर आई वाई, वाई वाई भी इसका सेम होता है फोर इंटू डी दी पावर फोर आई जेड जेड होता है π बाई थर्टी टू इंटू डी दी पावर फोर इसे जल्दी से लिखो इसे जल्दी से लिखो और कोई बता सकते हो आई जेड जेड को हम लोग कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं आई जेड जेड को हम कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं बताओ तो कोई जल्दी से आई जेडजेट को हम कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्सिया बोलते हैं जी हाँ बहुत अच्छी बात ये क्या है ना आपका आई जेड जट को पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया बोलते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया इनर्सिया इसे लिखो हाँ मोमेंट ऑफ इनर्सिया परपेंडिकुलर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया हाँ इसी तरह लिखा करोगे ना तो एकदम छप जाएगा चीजें ना दिमाग में छप जाएगी अब 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 देखो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया में होता क्या है देखो आई जट जड जो होता है इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई होता है इसे लिखो ये मैकेनिक्स में पढ़े होगे क्या न परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इसे लिख लो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लिखो जल्दी से लिखो आई जेड जेड इक्वल टू होता है आपका आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई जल्दी से लिखो तो ये ये दोनों सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरा मशीन डिजाइन पे आपको सर्कुलर और रेक्टेंगुलर सेक्शन दे देगा उसका पूछेगा कि बहुत सारा इस पे पूरा अप्लाई ही करना है एकदम बेसिक है इसलिए इस पर मैं इतना जोर दे रहा हूं और जो भी हो ना मैं बोलूँगा कि क्लासेस को रेगुलर फॉलो करना कुछ मॉड्यूल जो है आपके यूट्यूब पे मिलेगा उसके बाद कुछ मॉड्यूल आपके ऐप में मिलेगा पर अभी आपके एटलीस्ट तो एक से दो मॉड्यूल आपका ऐप इस पर यूट्यूब पर ही रहेगा ठीक तो आप लोग पूरा चीज़ों को एकदम कंसिस्टेंट फॉलो करना ठीक ना ठीक अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ये आपका हो गया बेंडिंग मोमेंट हो गया सॉरी बेंडिंग स्ट्रेस हो गया उसके बाद लिखो टोर्सन टोर्सन पे आओ टोर्सनल सीयर स्ट्रेस टोर्सनल सियर स्ट्रेस या फिर सियर स्ट्रेस जानते हो ना पहले सीयर स्ट्रेस को बता दे तो उसके बाद टोर्सनल को बताते हैं नेक्स्ट हेडिंग डालो सियर स्ट्रेस नेक्स्ट हेडिंग डालो सियर स्ट्रेस रुक जा स्ट्रेस। बता सकते हो सीयर स्ट्रेस क्या होता हाँ सीयर स्ट्रेस का कोई एप्लीकेशन बता सकते हो कहाँ पे ये दिख जाएगा <laughs> देखो चौक के बोर्ड में लिखना देखो यहां पे देखो सियर स्ट्रेस ये ये जो फोर्स लगा ये क्या हो रहा है ना सियर कर रहा है ये क्या कर रहा है ना सियर हो रहा है ठीक ना तो ये आपका क्या है ना? यहां पे सियर स्ट्रेस है तो जैसे जैसे मान लो कि ये आपका एक दो प्लेट है अब यहां है क्या ना एक आपका यहां पे बोल्ट डाला गया यहां पे क्या गया है ना एक बोल्ट डाला गया या फिर कोई एक रिबिट डाला गया ठीक मान लो ये रिबिट है अब यदि हम इसको यहाँ से खींचेंगे और इसको इधर से खींचेंगे तो ये टूटेगा कहाँ ना ये ये जो बोल्ट रहेगा या फिर ये जो रिबिट रहेगा ठीक ये जो रिबिट या फिर बोल्ट रहेगा ये कुछ यहाँ से टूट जाएगा ये जो है यहाँ से टूट जाएगा तो देखो ये जो फोर्स लगा है, यहां पे जो फोर्स लग रहा है इधर से जो फोर्स लग रहा है वो क्या कर रहा है ना इस एरिया को सीयर ऑफ कर रहा है इसे क्या कर रहा है ना सीयर ऑफ कर रहा है ठीक तो हम इसे क्या बोलेंगे ना ये आपका क्या है ना सीयर स्टेस यहां पर है सीयर स्टेस आ रहा है यहां पे ठीक तो यहां पर भी क्या होगा यहाँ पे भी जो आपका सीयर स्टेस हो जाएगा सियर स्टेस को हम लोग टाव से दिखाते हैं यहाँ पे भी क्या हो जाएगा फोर्स बाय एरिया हो जाएगा इसे लिखो इसे लिखो फोर्स बाय एरिया ठीक सहमत हो यहां तक बताइए यहां तक सहमत हो ना कुछ तो लिखो जी आ सहमत हो कि नहीं आ आगे बढ़ें लक्की शर्मा सरफेस के पैरेलल में जो फोर्स लगता है सीयर फोर्स अच्छा चलिए यस सर ठीक है ठीक है ठीक है चलिए 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 हाँ यहाँ तक यदि सहमत हो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ तक यदि सहमत हो ना तो आगे बढ़ते हैं कोई पूछोगे कि हम हंस क्यों रहे हाँ लक्की शर्मा चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए आप देखिए हवा था आपका टोर्सनल स्ट्रेस बताना जी आ, क्लास के बाद कैसा कैसा पढ़ा रहे आपके सर जी ठीक टोर्सनल स्ट्रेस टोर्सनल टोर्सनल शेयर स्ट्रेस ये होता क्या है टोर्सनल शेयर स्ट्रेस होता क्या ठीक है चलिए चलिए कुछ प्यार मिल रहा है अपने को इसलिए मैं टोसनल शेयर स्ट्रेस होता क्या एकदम 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 अब ये तो शुरुआत है अभी अभी तो बहुत आगे जाना है बहुत आगे जाना बताओ बताओ टॉर्सनल शेयर स्ट्रेस क्या है इस पे हम लोग क्या देखते थे टॉर्सनल शेयर स्ट्रेस पे हाँ, तो देखो टॉर्सनल शेयर स्ट्रेस पे हम जा रहे हैं किसका टॉर्सनल का फॉर्मूला लिखते हैं टी बाय जे इक्वल टू टाऊ बाय आर इक्वल टू जी थीटा बाय एल ये चीज हम लोग देख चुके थे टी बाय जे इक्वल टू टाऊ बाय आर इक्वल टू जी थीटा बाय एल ये चीज पढ़े हो याद है ये चीज बताओ टी बाय जे इक्वल टू टाव बाय आर इक्वल टू जी थीटा बाय एल ये चीज याद है हाँ या फिर ना कुछ तो बोलो याद है ना हुँ? याद नहीं है ठीक है चलिए तो देखिए यहाँ पे अभी ये जी थीटा बाय एल को छोड़ दो जब हम लोग साफ्ट पढ़ेंगे जब हम लोग साफ्ट पढ़ेंगे तब वहाँ पे ये जी थीटा बाय एल को हम लोग देखेंगे वहाँ पे हम लोग दो तरीका से साफ्ट का डिज़ाइन करते हैं एक थे आपका इस्टि, स्टिफनेस से और एक है आपका रिजिडिटी से ठीक ना तो वहाँ पे इस पर हम लोग और डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस को ले लेता हूँ ताकि आप लोग को लगे कि सिर्फ अभी थ्योरी ही बता रहे हैं तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसे ज़रा पढ़ देखिएगा आई होप कि दिख जाए आ, इसे ज़रा पढ़ने का कोशिश किधर से करें इसे देखिए जिनके पास बुक है या फिर पी है तो पेज नंबर वन टेन ठीक ना चैप्टर वन का प्रॉब्लम नंबर वन पॉइंट टू इसे ज़रा पढ़िए तो दिख रहा है फोकस हो जाए भाई फोकस नहीं हो पा रही ना अच्छा ठीक है छोड़ दो देखो बोल क्या रहा है इस पर बोल रहा है ए लोड ऑफ फिफ्टी किलो न्यूटन इज राइट बाई मेंस ऑफ स्टील और फाइंड द मिनिमम डायमीटर फॉर दिस सेफ स्ट्रेस देखो बोल रहा है कि एक रोप है ठीक ना ठीक इस रोप से हम क्या कर रहे हैं ना पचास किलो न्यूटन का एक लोड को उठा रहे हैं सॉरी पचास नहीं पाँच किलो न्यूटन का पाँच किलो न्यूटन का एक क्या कर रहे हैं ना लोड को हम उठा रहे हैं और इस पर जो सेफ स्ट्रेस यहाँ पे लगेगा सेफ स्ट्रेस इस जो इसका सेफ स्ट्रेस इस है वो कितना है ना सो एम पी ए सो एम पी बोले तो हंड्रेड इंटू टेन पॉइंट सिक्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो अपने को बताना है कि इस पाँच किलो न्यूटन का वेट को उठाने के लिए न्यूटन का वेट को उठाने के लिए अपने को कितना पतला मिनिमम कितना मोटा मिनिमम कितना मोटा रस्सी चाहिए यानी अपने को इसका डायमीटर पूछने पूछ रहा है तो देखो स्ट्रेस इक्वल टू क्या जानते हैं फोर्स बाय एरिया अपने को देखो फोर्स पता है और अपने को स्ट्रेस भी पता है एरिया तो देखो एरिया इक्वल टू क्या होता है देखो डायमीटर बोल दिया यहां पे क्या बोला डायमीटर बोला इसका मतलब समझ जाओ कि वो क्या होगा सर्कुलर होगा क्रॉस सेक्शन क्या होगा आपका सर्कुलर होगा जब वो सर्कुलर होगा तो एरिया क्या हो जाता है पाई बाय फोर इंटू डी का स्क्वायर तो बस यहां पे क्या करोगे ना वैल्यू रख दोगे यानी हंड्रेड इंटू टेन का पावर सिक्स फोर्स फाइव इंटू टेन का पावर थ्री डिवाइडेड बाय पाई बाय फोर इंटू डी का स्क्वायर बस यहां से आप क्या करोगे ना चीजों को सॉल्व कर लेना बन जाएगा जी बनेगा हाँ ना कुछ तो बोलो यहां से डी निकल जाएगा ना लिखो जी हाँ बन जाएगा ये सारी चीजें देखिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को उठाते हैं हम लोग जो आपका सॉल्व किया हुआ है सुमित कुमार चलिए यदि आप कोई खुटरी कॉलेज से यदि नहीं और कोई दूसरा कॉलेज से देख रहे हो तो आप एक काम कीजिए अपने कॉलेज ग्रुप में इस लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा ठीक ना ज़रा सा छोटा सा हेल्प कर दीजिएगा सर को ताकि सर भी पूरा झारखंड में फैल जाए ठीक आप देखिए आ, हम बाकी के देखिए ये सारे क्वेश्चन है ना ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे प्रॉब्लम नंबर वन पॉइंट थ्री उसके बाद वन पॉइंट फोर वन पॉइंट फाइव हम जरा सा इस क्वेश्चन को लेते हैं पिस्टन वाला क्वेश्चन को लेते हैं इस पिस्टन वाले क्वेश्चन पे बोल क्या रहा है ठीक तो देखिए इस है क्या फोर ए रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन फोर ए रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन डायमीटर ऑफ पिस्टन देखो इंजन का जब भी बात आए ना इंजन का जब भी बात आए आपका ठीक ना तो यहाँ पे देखो बोल क्या रहा है फोर ए रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन डायमीटर ऑफ पिस्टन तो देखो पिस्टन का डायमीटर कितना दिया हुआ है तो देखो इसका मैं जरा सा आइडिया देना चाह रहा हूँ ये तो आपका क्या है न सिलेंडर रहता है ये आपका क्या है न सिलेंडर है आप सिलेंडर के अंदर में क्या रहता है पिस्टन रहता है सिलेंडर के अंदर में क्या रहता है आपका पिस्टन रहता।, रहता।, रहता है और पिस्टन से कनेक्टेड रहता है आपका कनेक्टिंग रोड पिस्टन से आपका क्या कनेक्टेड रहता है <coughs> कनेक्टिंग रोड ठीक अब हम लोग क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं हम क्या करते हैं ना क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं अब देखो बोल क्या रहा है यहाँ पे फॉर ए पॉकेटिंग स्टीम इंजन डायमीटर ऑफ पिस्टन देखिए इस पिस्टन का डायमीटर दिया हुआ है कितना ना तीन सौ एम ये दे दिया है एंड मैक्सिमम स्टीम प्रेशर अब जरा सा गौर से सुनिएगा स्टीम इंजन है तो यहाँ पे क्या आएगा ना बाहर से आपका स्टीम आएगा और ये यहाँ पे भरेगा और यहाँ पे जो मैक्सिमम स्टीम प्रेशर होगा मैक्सिमम स्टीम प्रेशर होगा वो कितना होगा ना 0.7 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर ठीक ना न कंप्रेसिव स्ट्रेस इफ कंप्रेसिव स्ट्रेस इफ कंप्रेसिव स्ट्रेस और देखिए एक दिया हुआ है आपका कंप्रेसिव कंप्रेसिव स्ट्रेस आपका कितना दिया हुआ है न फोर्टी एम पी ठीक तो अपने से पूछ रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ पिस्टन फाइंड द डायमीटर ऑफ पिस्टन ठीक तो इसे कैसे आप अप्रोच करोगे इस चीज को कैसे अप्रोच करोगे क्वेश्चन को समझ पा रहे हो क्या हमसे फाइंड आउट करने बोल रहा है क्वेश्चन को समझ पा रहे हो अपने इसे फाइंड आउट क्या करने बोल रहा है अपने को डायमीटर फाइंड आउट करना है अपने को क्या है ना डायमीटर देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेस दिया हुआ है ठीक और आपका स्टीम का प्रेशर दिया हुआ है तो देखिए इस दोनों पर सबसे ज़्यादा कौन है यहां पे दो चीज़ दिया हुआ है एक स्टीम प्रेसर ये दिया हुआ है एक कम्प्रेसिव ये दिया हुआ है अब देखिए ये ये जो क्वेश्चन है जरा सा ये एम्बिक्विटी एंग, है इस पर ठीक ना इस पर जो है इस पर ज़रा सा एम्बिक्विटी है ठीक ना तो देखिए हम ए, इस क्वेश्चन को ना दो तरीक़े से सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये जो निराली का बुक में ना वो वेल डिफाइंड नहीं है ठीक ना क्योंकि यहाँ पे आपके दो स्टेसेस हैं तो हम जो है ना मैक्सिमम स्ट्रेस को लेकर चलेंगे हम क्या करेंगे मैक्सिमम स्ट्रेस को लेकर चलेंगे और उसके बाद उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे और एक बार हम इसको भी लेके चलेंगे दोनों के हिसाब से हम डिजाइन करेंगे और हम क्या करेंगे नट डी निकालेंगे ठीक तो ये सारी चीज़ें थी तो एक काम कीजिएगा जितने भी आपके नूमरिकल्स हैं जो आ, आज आपका पी भेजा गया है जितने भी सारे नूमरिकल्स थे उसे आप लगाओगे समझ लो वो सारे नूमरिकल्स को आपको लगाने हैं साथ में साथ में आप लोग कल जो हम लोग कल दो बजे ही मिलेंगे कल हम लोग दो बजे ही मिलने वाले हैं कल हम लोग देखेंगे क्रेप, फटिक प्रिंसिपल स्ट्रेस क्रेप, फटिक प्रिंसिपल स्ट्रेस उसके बाद हम लोग इंडोरेंस लिमिट देखेंगे और फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखेंगे समझ पा रहे हो तो हम लोग मिलते हैं कल ठीक तो चलिए आज जो भी बताएँ उस सारी चीज़ को ज़रा सा एक बार देख लीजिएगा और कल हम लोग मिलते हैं दो बजे एकदम दो बजे सभी को रेडी रहिएगा और हाँ इसे फैलाइए हर एक कोई कोई इसे फैला दीजिए ठीक ना मिलते हैं कल दो बजे हाँ ठीक है चलिए भाई